अलोक निरंजन धरती वासियो बादल पर सवार बाबा पजा तुम्हारा बीच मेष राशि वालों मेरे बच्चों ध्यान से, अगर अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही की तो नौकरी में टेंशन खड़ी हो जाएगी और नौकरी चली जाएगी और नौकरी जानी नहीं चाहिए। बाद में पता लगा कि विनती करते फिर रहे हो, एक मौका दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां मुझे पता है कौन कर रहा है, ये केतु कर रहा है। कोई बात नहीं, करता हूं उसका उपाय। ओम श्री विनताय नमः, 4 मिनट इस मंत्र को जप लेना। ये तो रही बच्चों की बात, इधर आओ भाई सारे के सारे। अबे राहु, आते ही गड़बड़ कर दी, आते ही दूध के अंदर नमक मिला दिया। बेटा देख, दूध के अंदर नमक तो तूने मिला दिया, अब देख इस दूध का इस्तेमाल कैसे करता हूं। देख बच्चों, जो तुमको मंत्र बताया उस मंत्र को जो है तुम जप लिया तुमने, तो ठीक है ना। अब देखो बेटा, देख इस दूध का तो बनाऊंगा दही, और दही तुझे पता है नमकीन अच्छा लगता है। बच्चों का तो फिट कर दिया काम, लेकिन वो जो दही बनाओ, दही को कौन पिएगा? दही तो तुझे पिलाऊंगा ना बेटा, वो मैं। अब इधर आ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पहली राशि में वैश्यक राशि वालों, वैश्यक वालों मेरे बच्चों, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, ग्रह कलेश का निपटारा, जिसको भाषा में कहते हैं बंटवारा, फायदेमंद होगा। कुछ बंटवारे ऐसे होते हैं जिसमें फायदा होता है, और कुछ बंटवारे ऐसे होते हैं जिनमें नुकसान होता है। अगर पिता के सामने बंटवारा हो गया तो सब ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में होता क्या है, एक के पास ज्यादा और एक के पास कम, और जिसके पास कम है सारे जीवन भर कोसता रहता है, मेरे लिए कुछ नहीं करा, मेरे लिए कुछ नहीं करा, मेरे लिए क्या किया, बस पैदा कर दिया, कुछ नहीं किया। पिता का दोष नहीं है, कुछ ग्रहों का दोष होता है। यात्रा का भी दिखता है, यात्रा जो तुम करोगे उसमें कहीं टेंशन ना हो जाए। मिथुन राशि वालों, मिथुन वालों प्रेम के मामले हल होंगे, जीवन में नए अवसर मिलेंगे, मगर एक मेरा मशवरा, क्रोध नहीं करना। अगर क्रोध किया तो नुकसान अपना ही कर बैठोगे, उससे बचने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना, कुछ फल श्रद्धा के साथ ईश्वर को समर्पित करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, ओम श्री भिन्ताय नमः, कुछ देर मंत्र जप लेना। यह मैं तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूं। कर्क राशि वालों, कर्क वालों मेरे बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सेहत थोड़ी टेढ़ी दिखती है, भाई से कुछ बात पे पंगा, बहन भी रूठ रही है, पिता मना रहे हैं मान नहीं रहे, पिता की बात मान लेना। सिंह राशि वालों, सिंह वालों मेरे बच्चों, ध्यान से, धन को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर कहीं आपस में परिवार में विवाद ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, और विवाद हो गया तो तनाव की स्थिति आ जाएगी। मगर एक मेरा मशवरा, किसी बड़ी बुजुर्ग महिला के चरण छू लेना, मैया के चरण छुए, मैया का आशीर्वाद लिया तो समझ लेना माँ पार्वती का आशीर्वाद मिल गया, और जिस पर मैया मेहरबान तो फिर वो बच्चा पहलवान। ओम श्री भिन्ताय नमः, इस मंत्र को जपना है मेरे बच्चों 33 बार। कन्या राशि वालों, कन्या वालों बाबा शिव की कृपा से कोई बहुत जरूरी कार्य है, बाबा शिव की कृपा से होगा, जिसका फल तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मगर यहां कुछ टेंशन दिखती है, धन कमाने की, कारोबार की। तुला राशि वालों, तुला वालों आज विदेश यात्रा का योग है। एक समस्या चल रही थी जायदाद को लेकर, उसका हल निकल जाएगा, मगर धन का खर्च बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। ओम श्री भिन्ताय नमः, इस मंत्र को जप लेना। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक वालों मेरे बच्चों, बाबा शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन के अंदर पहले प्रमोशन और फिर परिवर्तन,
प्रमोशन होगी तो बड़ा मकान मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। तो जो इंग्लिश में बोलते ना, तुम्हारी भाषा में स्टेटस में फर्क तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा। धनु राशि वालों, धनु वालों मेरे बच्चों, आज दायित्वों को निभाना है। जो रिश्ते हैं जीवन साथी के साथ, उनमें कहीं उलझन ना हो जाए, और उलझन होगी तुम्हारी गलती की वजह से। कोई भी बात हो, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जरूरी है, फिर कोई उलझन नहीं होगी। जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतना ही उलझ जाएगा, अब तुमने देखना है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मकर राशि वालों, मकर वालों ध्यान से सेहत का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, जीवन साथी का भी ध्यान रखना, और अपने धन का भी ध्यान रखना, और अपने अफसर का भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। तेरा ध्यान मैं रखूंगा, भी आ रहा हूं तेरे पास। ओम श्री विंताय नमः। दो दो मिनट करके तीन बार जपते ना, ये तो रही बच्चों के बाद शनि दर आ जाओ। आज कुछ बात हो जाए, चलो पूछ लेता हूं। भारतवर्ष देखा नहीं, देखा है? देखा है? मैं तुमको दिल्ली में खड़ा कर देता हूं। दिल्ली में खड़े हो? अब दिल्ली से गाजियाबाद दूर है, ध्यान से समझ लो जो बोल रहा हूं। तुम दिल्ली में खड़ा कर दिया मैंने तुम्हें, भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है? हाँ, दिल्ली, दिल्ली में खड़े हो। दिल्ली से गाजियाबाद दूर है, क्योंकि दिल्ली के बाद आएगा शाहदरा, सुन लो। देखा है ना शाहदरा? हाँ, दिल्ली के बाद शाहदरा, शाहदरा के बाद आएगा गाजियाबाद, ठीक है? दिल्ली से गाजियाबाद दूर है या दिल्ली से चंद्रमा दूर है, बोलो क्या दूर है? दिल्ली से गाजियाबाद दूर है। दिल्ली से गाजियाबाद दूर कैसे? चंद्रमा पास है, मतलब चंद्रमा ऐसा समझ लो जैसे सीलमपुर पे बैठा हो, है ना? ठीक है ना? नहीं, तुमने बात कैसे कह दी? अच्छा भाई, वाह, क्या बढ़िया लॉजिक दिया। देखो सुनो, क्या लॉजिक दे रहा है? कह रहा है जी दिल्ली से मुझे चंद्रमा दिखता है तो नजदीक है, अब दिल्ली से मुझे गाजियाबाद नहीं दिख रहा। दिल्ली से गाजियाबाद पता है कितना है? मात्र 20 किलोमीटर है, और ये लाखों किलोमीटर है। इतना भी नहीं पता, इतना भी नहीं पता है, इतना भी नहीं पता, हाँ इतना भी नहीं पता। कुंभ राशि वालों, कुंभ वालों मेरे बच्चों, बाबा शिव की कृपा से जीवन में बहुत बढ़िया अवसर आएगा, धन कमाने के लिए, जीवन संवारने के लिए। लेकिन ईमानदारी से मेरे बच्चों, ईमानदारी से एक बात मैं तुमको बोलना चाहता हूं। परमपिता परमात्मा भी कई बार परीक्षा लेते हैं कि देखता हूं कि ये धन नंबर दो के रास्ते से लेता है, ईमानदारी से लेता है। कुछ मानव ऐसे होते हैं कि मैंने तो ईमानदारी से लेना है, परमपिता परमात्मा फिर उसको ईमानदारी से धन देते हैं। मीन राशि वालों, मीन वालों मेरे बच्चों, व्यवसाय में बाधा होगी, ध्यान से पैर में कहीं ठोकर ना लग जाए। अगर पैर में ठोकर लग गई तो जख्म भरने में समय लग जाएगा, और यहां पर क्या लगता है, धन कहीं फंस ना जाए। धरतीवासियों, बादल प्रसवर बाबा के ध्यान का समय आ गया, अब मैं चलता हूं, मुझे ब्रह्मांड में ध्यान लगाना है, और कल फिर आना है। अलोक निरंजन।